आप देख रहे हैं BHBC News। जब जब इतिहास के पन्नों को जब भी पलट के देखा जाता है तब कुछ न कुछ मिल ही जाता है। साथ ही कई वीर राजाओं, महाराजाओं और रानियों की गाथाओं का जिक्र भी होता है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी रहस्यमय शख्सियत यानी की पर्सनैलिटी के रूप में दर्ज क्लियोपेट्रा की, जो मिस्र की आखिरी रानी थी, जिसने लगभग 40 सालों तक मिस्र पर राज किया। दुनिया भर में अगर किसी रानी के बारे में सबसे ज्यादा लिखा गया तो वो क्लियोपेट्रा है। अगर किसी पर सबसे ज्यादा नाटक लिखे गए या फिल्में बनाई गई तो वो क्लियोपेट्रा है। उनके बारे में कहा जाता है कि वे जितनी सुंदर और कामुक थी, इससे कहीं ज्यादा वे चतुर, षड्यंत्रकारी और क्रूर भी थी। कहते हैं कि क्लियोपेट्रा की खूबसूरती की तुलना नहीं की जा सकती थी। वे जब बात करती तो लोग सम्मोहित हो जाते। अगर वो किसी पुरुष को एक तरफा देख भी लेती तो पुरुष वासना से भर उठते। वह एक रानी ही नहीं थी बल्कि एक चालाक कूटनीतिज्ञ, जिसे 9 भाषाएं आती थी और गणित में अच्छे अच्छों को मात दे सकती थी। क्लियोपेट्रा को दुनिया की सबसे अमीर और सुंदर औरत माना जाता था। वे 3 ताकतवर पुरुषों की प्रतिद्वंद्वी थी, जूलियस सीजर, मार्क एंटोनी और ऑक्टेवियन। जूलियस सीजर ने उन्हें मिस्र की रानी बनाने में मदद की थी। अंग्रेजी साहित्य में 3 नाटककारों, शेक्सपियर, ट्रायडन और बॉन्ड शाह ने उनके अनेकों नाटक में व्यक्तित्व की कई पहलुओं का विस्तार किया। क्लियोपेट्रा पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। क्लियोपेट्रा का संबंध भारत से भी था। वे भारत के गरम मसाले, मखमल और मोती भर जहाज सिकंदरिया के बंदरगाह में खरीद लिया करती थी। उनकी मौत को लेकर अनेक किंवदंतियां हैं। क्लियोपेट्रा ऑक्टेवियन को भी अपने रूप जाल में फांस कर खुद की जान बचाकर फिर से मिस्र की सत्ता प्राप्त करने की योजना पर कार्य कर रही थी। ऑक्टेवियन क्लियोपेट्रा के रूप जाल में नहीं फंसा और उसने उनकी एक डंक वाले जंतु के माध्यम से हत्या कर दी। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि सांप के काटने से उनकी मौत हो गई। वही कुछ मानते हैं कि रानी अपने साथ ढेरों कंघियां लेकर घूमती थी। उनमें से कई में जहर भी होता था और ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं में से एक जहर उन्होंने खुद को चुबाकर अपनी जान ले ली। अब इस बात में कितनी सच्चाई है या उनकी मौत का रहस्य क्या है, वो उनकी मौत के साथ दफन हो गया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं BHBC News।